मैं हूँ निधि, कैसे आप? आशा करती हूँ एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, कोरोना वायरस जिस किसी के मुंह पे देखो कोरोना वायरस का ही जो है भूत चढ़ा हुआ है और लोग इससे इतने ज्यादा डर रहे हैं कि कोरोना वायरस हो गया, जाने हवा हो गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, कोरोना वायरस से आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। इसके साथ आपको बताती है कुछ सावधानियां, कुछ प्रिकॉशंस अगर आप लेते हैं तो डेफिनेटली कोरोना वायरस से आप खुद को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अभी मैं आपको लाइव रिजल्ट की बताऊं तो मैंने अभी देखा जिसमें कोरोना वायरस में 95,715 लोग जो है इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जिसमें से मौत हुई है 3239 लोगों की, यानी कि 53,245 लोग रिकवर हो चुके हैं। इससे आप सोच सकते हैं कि कोरोना वायरस इतना भी ज्यादा जो है डेंजर नहीं है जितना ज्यादा हम लोग डर रहे हैं, जितना ज्यादा हम सोच रहे हैं। मैं आपको बता दूं, कोरोना वायरस से लोग काफी ज्यादा जल्दी रिकवर भी हो रहे हैं। और बात की जाए मौत की, तो मौत की अगर बात की जाए तो उन्हीं लोगों में ज्यादा देखने को मिल रही है जो कि काफी ज्यादा एजेड है, 60 को क्रॉस कर चुके हैं, जिनकी बॉडी में ऑलरेडी काफी सारी बीमारी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी की है, डायबिटीज की है, या फिर वो ऑलरेडी काफी सारी मेडिसिन ले रहे हैं, उनको डेफिनेटली कोरोना वायरस से खतरा हो सकता है। लेकिन अगर बात की जाए यंग एज वालों की, बच्चों की, तो कोरोना वायरस से आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको कुछ प्रिकॉशंस लेनी है, कुछ सावधानियां बरतनी है, जिससे आप कोरोना वायरस से खुद को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो कोरोना वायरस है ये हवा के द्वारा बिल्कुल भी नहीं फैल रहा। ये चीज यानी कि किसी भी वस्तु पे डलता है, वस्तु पे वो जो 12 घंटे तक जीवित रहता है अगर आप उस चीज को टच करते हैं, तो ये फैल बहुत तेजी से रहा है। जैसे कि दिल्ली और नोएडा में भी फैल चुका है, और मैं खुद नोएडा से हूं, लेकिन जैसा कि हमने देखा, इतना रिसर्च किया, उससे पता चलता है कि कोरोना वायरस बिल्कुल भी घबराने वाली जरूरत नहीं है। अगर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम सही है, अगर आपको किसी भी तरीके की बीमारी नहीं है, तो आप डेफिनेटली कोरोना वायरस की छुट्टी कर सकती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, जितना हो सके पब्लिक प्लेस का इस्तेमाल ना कीजिए। बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में, ट्रेन व्रेन में सफर मत कीजिए। बहुत ज्यादा मॉल वगैरह में जितना हो सके अवॉइड कीजिए। दूसरी बात, जब भी घर से जाते हैं बाहर, सैनिटाइजर जरूर लेके जाइए, अल्कोहल जिसके अंदर होना चाहिए। आपको अपना टाइम टू टाइम हैंड को बहुत जल्दी वॉश करते रहना है। जब भी हैंड को वॉश कर रहे हैं, ऊपर से नीचे से अच्छे से 20 से 30 सेकंड के लिए हैंड को वॉश करें। ध्यान रखें, जब भी आप पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। कोल्ड कफ वाले आदमी से आपको बिल्कुल दूर रहना है। नमस्ते करनी है, किसी से भी ज्यादा हाथ वात नहीं मिलाने, गले वाले भी आपको नहीं लगना। नमस्ते पे वापस आ जाना है कुछ टाइम के लिए, जब तक कि तापमान बिल्कुल सही नहीं हो जाता और कोरोना वायरस का जो भूत है पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता। साथ के साथ जितना हो सके गर्म पानी पीते रहिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है ये 26 से 27 डिग्री के तापमान पे पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो जितना हो सके गर्म पानी पीते रहिए, और गला जैसे ही आपको लगता है थोड़ा सा भी सीख रहा है, सूख रहा है, तो गुनगुना पानी आपको पीते रहना है। साथ के साथ मैं आपको बता दूं, अगर गुनगुने पानी में आप नींबू निचोड़ के पीते हैं तो सबसे बढ़िया रहता है। और इस टाइम पे जितना हो सके नींबू का सेवन कीजिए, आंवला का सेवन कीजिए, और नींबू और आंवला का सेवन तो आपको हमेशा लाइफ में करना चाहिए, क्योंकि नींबू और आंवले के अंदर होता है भरपूर मात्रा में विटामिन सी, जो कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। और अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है तो कोरोना वायरस जैसे 100 वायरस भी आ जाए वो भी आपकी बॉडी को टच नहीं कर सकते। तो आज से अपनी बॉडी को जो इम्यूनिटी सिस्टम है इसे स्ट्रांग बनाने के लिए जितना हो सके विटामिन सी वाले फूड अपनी डाइट में इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। इस समय पे जो कोरोना वायरस चल रहा है, इस समय पे जितना हो सके गर्म चीजों का ही सेवन करें, ठंडी चीजों का बिल्कुल भी सेवन ना करें जब तक कि तापमान बिल्कुल सही डिग्री पे नहीं आ जाता। जैसे कि मार्केट वाली चीजें, कोल्ड ड्रिंक हो गई आपकी, चॉकलेट हो गई, आइसक्रीम हो गई, इनका बिल्कुल भी इस्तेमाल ना कीजिए। जितना हो सके बच्चों को मतलब घर से बाहर ना लेके जाए। और आपको बता दूं, घर में बच्चे चाहे कितना भी रोए, आपको कोई भी टॉयज घर में नहीं लेके आने, क्योंकि जितने भी टॉयज बनती हैं ज्यादातर चाइना से ही बन के आते हैं। इस चीज का भी ध्यान रखें, अगर पॉसिबल हो पाता है तो पूरे दिन में आप जो है एक कप दूध में चुटकी भर हल्दी मिला के सुबह शाम इस चाय का सेवन जरूर करें, क्योंकि हल्दी के अंदर होते हैं एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल गुड, जो कि आपके बॉडी में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है तो उसे पूरी तरीके से रिड्यूस करने में मदद करते हैं। फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, साथ के साथ आपको घर में इस समय थर्मामीटर का इस्तेमाल जरूर करना है फीवर को चेक करने के लिए। जैसे ही आपको लगता है कि आपको हल्का सा फीवर लग रहा है, सर दर्द लग रहा है, थकावट हो रही है, गले में खराश हो रही है, साथ के साथ फीवर को चेक करना है। और आपको लेनी है केरोसिन एडवांस, सुबह दोपहर शाम आपको 3 टाइम ले लेनी है, जिससे कि आपका जो फीवर होगा पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा।
साथ के साथ जितना हो सके गुनगुने पानी में हल्का सा नमक डाल के गरारे करें। इससे क्या होगा, जो वायरस होगा वो आपके फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाएगा, इससे भी आप कोरोना वायरस से पूरी तरीके से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, इस समय जब भी, इस समय क्या, मैं हमेशा के लिए ही बता रही हूं, क्योंकि साफ सफाई हमें हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि वायरस तो चलते रहते हैं, कभी स्वाइन फ्लू आता है, कभी डेंगू आता है, अभी कोरोना चल रहा है, आगे कुछ और भी आ सकता है। तो जब भी घर की सफाई करें, कभी भी सिंपल पानी से घर की सफाई ना करें, पानी में लाइसोल या फिनाइल का इस्तेमाल जरूर करें, जो कि दावा करते हैं 90% बैक्टीरिया को मारने का, जिससे कि जब भी आप घर की सफाई करेंगे तो आपके 90% कीटाणु ऐसे ही मर जाएंगे। तो जब भी पोछा लगाएं, लाइसोल का और फिनाइल का इस्तेमाल जरूर करें। डस्टबिन में जितना भी कूड़ा है उसको बिल्कुल भी घर में ना रखें, बाहर भी रखें तो टाइम टू टाइम उसे फेंकते रहें, डस्टबिन को टाइम टू टाइम क्लीन करते रहें, क्योंकि गंदगी से जो है बैक्टीरिया ज्यादा पनपते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें। और जो कोरोना वाला वायरस है ये तो हवा के द्वारा फैलता नहीं है, ये तो वस्तु के द्वारा फैलता है। तो किसी भी चीज को डायरेक्ट जाके अगर आप पब्लिक प्लेस में जाते हैं बिल्कुल भी ना छुएं, कोई भी चीज को छू रहे हैं तो जो है आप जो सैनिटाइजर से टाइम टू टाइम हैंड को वॉश जरूर करते रहे। और फ्रेंड वैसे तो अभी गर्मी आ चुकी है, लेकिन अगर आपसे पॉसिबल हो पाता है तो इस समय धूप में ज्यादा रहिए, क्योंकि जो मैंने जैसा कि आपको बताया कि 26 से 27 डिग्री पे जो कोरोना वायरस है पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। तो अगर आप गुनगुना पानी के साथ साथ थोड़ा देर धूप में भी बैठती हैं तो कोरोना वायरस आपसे पूरी तरीके से दूर रहता है। तो दोस्तों ये कुछ छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक, जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं कोरोना वायरस से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, उससे आपको डट के मुकाबला करना है, इन चीजों को प्रिकॉशंस आपको लेना है, जिससे कि आप खुद को कोरोना वायरस से पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर पाए। सो आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।